नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्निशियन पर। सो यूपी स्कॉलरशिप को लेकर काफी अच्छी खबर आप लोगों के लिए फाइनली आ गई है। बहुत टाइम बाद कोई अच्छी खबर या बोल दें, गुड न्यूज बोल दें या खुशखबरी बोल दें, आप लोगों के लिए आई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज में बताया था, पिछली वीडियो में कि सत्र 2022-23 में जो है कि काफी लोगों की छात्रवृत्ति जो है कि SC ST वालों की नहीं आई है। उनके लिए न्यूज क्या आई थी, कि उनको दो चीजें करानी पड़ेंगी। मैंने वीडियोज के थ्रू आपको बताया था, एक तो आपको कराना पड़ेगा आपका आधार जो है OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, और दूसरा बताया गया था कि डेमोग्राफिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मतलब दो टाइप का ऑथेंटिकेशन आपको कराने को कहा गया था विभाग के द्वारा, कि जो छात्र ये करा लेंगे उनको छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। अब इसको कराना कैसे था, इसको उन्होंने बोला था कि भाई वेबसाइट पे हम लोग उनके लॉगिन पे आप लोग के अवेलेबल करा दिए हैं ऑप्शन, वहां से आप लोग कर सकते हो। लेकिन अब तक क्या हो रहा था कि वेबसाइट जब आप खोल लोगे तो VR करके आपको दिखा रहा था, तो वो समस्या जो है कि सॉल्व हो गई है फाइनली। आपको कैसे करना है ये आपको मैं दिखा देता हूं। सारी इस वीडियो में आपको पूरी चीजें मैं डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे आपको करना होगा, कहां से ऑप्शन वो खुल रहा है और क्या क्या स्टेप्स होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी अच्छी खबर देने के लिए ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा मैं कोशिश करता हूँ आपको सही अपडेट्स सही समय पर लाता रहूँ। तो चलिए देखिए आपको दिखा देता हूँ, पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि देखो ये आप लोग 22-23 का देख सकते हो। दीपक ने टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर किया था, पहले तो उनको शाउट आउट एक मेरी तरफ से, उन्होंने शेयर किया था सबसे पहले खबर। तो देखो इस तरह से आपको लिख कर आ जाएगा, अगर आपका प्रमाणित कर दिया गया है। इसको करना कैसे है, इसका URL या इसकी लिंक कैसे करनी है आपको, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल अपना लॉगिन आप जैसे करते थे स्टेटस देखने के लिए, आपको वही लॉगिन करना पड़ेगा। अब वो लॉगिन आपको करना कैसे, आइए आपको वो दिखा देता हूँ मैं। देखिए आधार ऑथेंटिकेशन और जो डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, ये दोनों करने के लिए आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप सिंपल अपने यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से लॉगिन कर सकते हो। दूसरा लिंक वाला जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। sarkariupdate247.com ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको देखो एक नीचे आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-24। अब इस URL को बस आपको ओपन कर लेना है, बस आपकी सारी समस्याएं यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। एक तो आवेदन करने के लिए वैसे इसको बनाया गया, लेकिन आपका जैसे कि अभी जो हमको आपको मालूम है दो चीज़ें करने को बोला गया, आधार OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन और डेमोग्राफिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आपको देखो URL है, मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम लोग ऐसे SC ST के छात्र हैं जो है कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले हैं, तो उनके लिए URL देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैंने सर्किल किया है, इसको आपको देखना होगा कि यहाँ पर देखिए ये अदर स्टेट भी नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे देखो लॉगिन का आपके सामने ये खुल जाएगा। अब देखो ये पहले नहीं खुल रहा था, अगर आप पहले ओपन कर रहे हो तो आपको आ रहा होगा VR, लेकिन अभी आपको मैंने दिखाया खोल के, एक बार आपको मैं बैक करके दोबारा दिखा देता हूँ। आप जैसे इस पर देखो क्लिक कर रहा हूँ, अब इजिली मतलब जो है कि वो चीज़ खुल जा रही जो पहले नहीं खुल रही थी। आप अभी अदर स्टेट को या कोई भी हो, अगर आपका जो आप अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हो SC ST में, और आपको बोला गया है कि आप आधार जो आपका OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया और डेमोग्राफिक, ये दोनों आपको करा लेना है, तो जैसा मैंने जिस URL के थ्रू बताया आप लोग इससे ट्राई करो, आपका होने लग गया है। और इसके लिए कोई तारीख नहीं बताई गई है, मैं यहाँ पर आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। ये तो आपको देखने को मिल गया कि कैसे करना है, करना कैसे वो भी आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ही कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि इसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं बताई गई विभाग के द्वारा कि अंतिम डेट क्या होने वाली है। लेकिन पोर्टल खुल गया, अगर आप वीडियो देख रहे हो या आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो आप अंतिम तिथि या कोई और डेट का वेट मत करो, ये 5 मिनट का काम है अभी कि अभी तुरंत इसको कर लो जैसे मैंने बताया है, क्योंकि लास्ट डेट नहीं बताइए कब पोर्टल बंद कर देंगे, इसकी कोई जो है कि गारंटी नहीं है या कोई डेट भी नहीं है, तो उसमें आपको जोखिम लेने से अच्छा है कि पोर्टल अभी काम कर रहा है, फटाफट सारे लोग ट्राई कर लीजिए और सारी चीज़ें ये चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। अब ये दिख कैसे रहा है या फिर करना कैसे वो आपको दिखा देता हूँ एक स्क्रीनशॉट दो स्क्रीनशॉट के थ्रू। तो देखो पहला स्टेप आपको देखो इस तरह से दिखाई देगा, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर देखिए ऊपर आपको क्या दिखने को मिल रहा है, आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन आधार OTP ऑथेंटिकेशन के बिना छात्र छात्रा का फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। ऊपर आप महत्वपूर्ण में ये चीज देख पा रहे हो, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ पाओ। आधार ऊपर आपको ऊपर वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा 3 और 4 नंबर पे, यहाँ आधार नंबर डालना है और यहाँ आधार नंबर डालना है। जब आप लॉगिन करोगे तब आपके सामने विकल्प आ जाएगा, उसके बाद इस पर आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा, इसको आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो यहाँ पे आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, इसको इस जगह एंटर करके वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। तो ये हो जाएगा आपका डेमोग्राफिक वाला, मतलब जो दो चीज़ें होनी थी उसमें से डेमोग्राफिक वाला ये हो जाएगा, और आपका सामने इस तरह से ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा कि भाई आपका जो है कि फाइनली जो है कि आधार जो डेमोग्राफिक वाला है आपका कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ नीचे पढ़ सकते हो कि आधार जनसंख्याकी प्रमाणीकरण यानी कि आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया विभाग द्वारा नामित एजेंसी के सहयोग से की गई है, मतलब कि आपका जो ये वाला है डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन इसको कंप्लीट मान लिया गया है। सेकेंड कौन सा,
और सेकेंड है ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप सिंपल अपना आधार नंबर डालोगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको कर लोगे और आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो जब आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, देखो एक में ये दिखाई देगा ग्रीन कलर में ओटीपी वाले के लिए और दूसरे के लिए ये वाला दिखाई देगा कि भाई आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये दोनों चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तभी आपको मान्य होगा। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, देख लो मैं दिखा देता हूँ कि महत्वपूर्ण में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन, यानी कि इन दोनों के बिना छात्र छात्रा का फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि आपका आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है, ये आपको जरूर दिखना चाहिए। ये दोनों स्क्रीनशॉट हो गए, ये भी दीपक की तरफ से थे, ये मैंने आपको दिखा दिया और समझा दिया आपको कैसे करना है। तो जल्दी जल्दी पोर्टल शुरू हो गया, मैंने जो तरीका बताया उसको भी फॉलो कर सकते हो, आपको जो दूसरा तरीका मालूम होगा उसके थ्रू भी लॉग इन करके कर सकते हो। तो फटाफट सारे लोग करो, कोई समस्या है तो कमेंट में पूछो, बाकी तो सभी को बधाई कि फाइनली ये पोर्टल शुरू हो गया है। तो चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी जो मैंने कोशिश की कि जितना जल्दी हो सके आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।